हमारे मेन कैरेक्टर को एक लड़की से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। बाद में उसे पता चला कि वो लड़की एक सेक्स वर्कर है। वो डायरेक्टली उसे अप्रोच करके शादी का प्रपोजल देता है। पर लड़की अपने पास से इस तरीके से भाग नहीं सकती थी। क्या वो अपनी पुरानी लाइफ छोड़कर फिर से खुशी पा पाएगी? हम आज की हमारी मूवी रिडीमिंग लव 2022 की एक रोमांस वेस्टर्न हॉलीवुड मूवी में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर एंजल को देखते हैं, जो एक सेक्स वर्कर थी। उसके साथ रात बिताने के लिए लोग लॉटरी लगाते थे। उसे आज अपना बचपन याद आता है। उस दिन बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसके फादर उसे मिलने के लिए आ रहे थे। फादर वहां पर पहुंचे पर एंजल के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं थे। एंजल कहती है कि आपने मुझे जो गिफ्ट भेजे थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे। फादर इस बात से सरप्राइज्ड हो गए। एक्चुअल में एंजल की मदर को उन्होंने सेंड किया था। एंजल को बाहर निकाल देते हैं पर वो खिड़की से सब कुछ सुन रही थी। फादर ने मदर से कहा कि मैंने वो गिफ्ट तुम्हारे लिए दिए थे। मदर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो तुम्हारी डॉटर है। फादर कहते हो कि इलीगल चाइल्ड है, इसका मतलब है उन दोनों में शादी नहीं हुई थी। वो मदर को मारकर वहां से चले जाते हैं। ये सब सुनकर एंजल को बहुत बुरा लगा था। तो अब नहीं चाहती थी कि कभी भी उसके फादर फिर से उन्हें विजिट करने के लिए आए। फिर से प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एंजल की यहाँ पर फ्रेंड्स बनी हुई है। वो कैसे इस हालात में पहुंची इसके बारे में वो डिस्कस कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम एक फार्मर को देखते हैं। वो अकेला ही अपने फार्म पर बहुत मेहनत लेता था। वो चर्च में जाकर गॉड से कहता है कि आपने मेरी लाइफ में मुझे सब कुछ दिया है और अब सिर्फ जिंदगी बिताने के लिए एक पार्टनर दे दो। वो अपना सामान सेल करने के लिए टाउन में आता है। एंजल वॉक करने के लिए बाहर निकली थी और फर्स्ट टाइम उसने उसे देखा और देखते ही उसे प्यार हो जाता है। उसके फ्रेंड ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो एक सेक्स वर्कर है, पर माइकल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो उसके साथ शादी करना चाहता था। पास्ट में हम फिर से एंजल की स्टोरी देखते हैं। पहले तो एंजल और उसकी मदर को उसके फादर सपोर्ट करते थे, पर अचानक से सारा सपोर्ट उन्होंने निकाल लिया। उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। एंजल के फादर ने मदर को जो ज्वेलरी दी थी उसने सेल करने का ट्राई किया, पर उसे पता चलता है कि ज्वेलरी भी फेक थी। उसे पैसों की तो बहुत जरूरत थी, तो ज्वेलरी उसे कहता है कि तुम्हारे साथ एक रात बिताने के लिए बहुत सारे लोग रेडी हो जाएंगे। पैसों के लिए काम करने के लिए मान जाती है। एंजल अपनी मदर से बात करती कि हमें यहाँ से कहीं पर भाग जाना चाहिए। मदर को भी ये बात बहुत ही अच्छी लगती थी। थोड़ी दिनों में वो बहुत ही बीमार रहने लग गए और एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। आज का बिजनेस खत्म होने के बाद वहां पर काम करने वाला आदमी उससे पैसे लेने के लिए आया। उसे कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, तुमने और कुछ पैसे छुपा कर रखे होंगे। एंजल उसे बेइज्जत कर दिया तो उसे मारने लग गया था। तभी उसे बचाने के लिए एंजल की बॉस डचेस आ गए। वो कहती कि अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो बाहर के लोग तुम्हें मार डालेंगे। थोड़ी देर में एंजल रेडी होती है और उसे मिलने के लिए माइकल आया। एंजल ने उसे पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। माइकल ने उसे कहा कि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करने के लिए नहीं आया हूँ। वो कहता है कि मुझे तुमसे सिर्फ बात करनी है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारा एज क्या है। एंजल पूछती है कि तुम्हारा एज बताओ, तुम क्या करते हो। माइकल कहता है कि मैं फार्म में काम करता हूँ। एंजल पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। माइकल कहता है कि अब तक तो नहीं हुई। एंजल कहती है कि तो फिर अपने टाइम को तुम वेस्ट मत करो। माइकल ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, पर एंजल उसे वहां से बाहर निकाल देती है। माइकल कहता है कि मुझे सिर्फ हाफ ओवर दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, पर एंजल इस बात के लिए नहीं मानती। अगली रात माइकल फिर से डबल पे कर एंजल के पास आ गया। वो कहती कि तुम अपने पैसों को वेस्ट कर रहे हो। उसे हमेशा ऐसे वेडिंग प्रपोजल मिलते रहते हैं, इसमें कोई भी सीरियसनेस नहीं होता। आज रात भी एंजल उसकी कोई भी बात नहीं मानती। अगली सुबह एंजल की फ्रेंड्स माइकल के बारे में बात कर रही थी। एक लड़की को माइकल बहुत अच्छा लगा था। एंजल कहती कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर तुम उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती हो तो मेरे लिए अच्छा ही हो जाएगा। रात में उस लड़की ने माइकल को रोकने की कोशिश की। लड़की उसे कहती कि एंजल ही चाहती थी कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। इस बात से माइकल गुस्सा आ जाता है और एंजल के पास आ गया। एंजल कहती कि अब भी तुम अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। माइकल कहता है कि अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और फिर से वापस नहीं आऊंगा। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम यहाँ पर रहना क्यों चाहती हो। क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी फील नहीं हो रहा या फिर तुम्हें कोई फीलिंग्स ही नहीं है। उसे समझाने के लिए उसके पास आया और उसे किस कर लेता है। एंजल कहती कि फाइनली तुम मेरे करीब आ ही गए। माइकल ये सुनकर उससे दूर चला जाता है। कहता है कि पहले मैं तुमसे शादी करूंगा और इसी के बाद हमारे बीच कुछ हो सकता है। एंजल कहती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इस बात से माइकल को बुरा लगा और वो वहां से चला जाता है। बचपन में जब एंजल की मदर की डेथ हो गई थी तो एक आदमी उसे सिटी में ब्रॉथल में लेकर आया। वहां पर काम करने वाली एक लड़की उसे समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज वो इस लड़की को कहीं और लेकर जाए। वो आदमी मानता नहीं और बॉस के ऑफिस में चला गया। वो बिना परमिशन की दारू पीने लग जाता है। थोड़ी देर में वहां का बॉस ड्यूक वहां पर पहुंच जाता है। उसे गुस्सा आ गया और एंजल के सामने उस आदमी को उसने मार डाला। वो कहता है कि आज से तुम मेरे लिए काम करोगी। उसे जो भी काम करने के लिए कहता। कुछ सालों में वो बड़ी हो गई और उसे बिजनेस पर वो लगा देता है। एक दिन वहां पर एंजल के फादर आ गए। उन्हें जब रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या किया, इसके बाद वो खुद को गोली मार लेता है।
ये सिचुएशन हाथ से निकल रही थी, तो वहां पर काम करने वाली लेडी एंजल को वहां से भगा देती है। गुस्से में ड्यूक ने उस लेडी को मार डाला था। एक शिप में गई दूर एंजल वहां से निकल पड़ी। इस शिप में भी हर एक आदमी उसी को देख रहा था। कुछ लड़कियां उसे कहती कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आदमी बहुत सारे पैसे पे करेंगे। एंजल इस बात के लिए मान जाती है। जब वो फाइनली सिटी में पहुंचे तो एंजल ने जो भी पैसे कमाए थे ये सब कुछ उससे छीन लेती है। और फिर से हम प्रेजेंट देखते हैं। एंजल की तबीयत जरा खराब हो गई थी। उसके फ्रेंड ने देखा तो उसे बुखार था। वो पूछती कि हुआ क्या। एंजल कहती थी कि माइकल के यहाँ से जाने के बाद उसके बारे में सोचते सोचते बीमार पड़ गई। उसने अब सोच लिया था कि काम वो छोड़ देने वाली है। एंजल ने अपने सारे पैसे डचेस के पास सेफ रखने के लिए दिए हुए थे। उसे वो बात करने के लिए गई। डचेस उसे कहती कि आजाद होने के बाद तुम करोगी क्या, क्या तुम किसी के साथ घर बसाओगे, क्या उसके लिए तुम काम करोगे। उस लाइफ से तो अब तुम्हारे पास जो फ्रीडम है ये बहुत अच्छा है। एंजल ने अपना मन बना लिया था और कहती कि मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। डचेस ने कहा कि तुम यहाँ पर रहती हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन देती हूँ, अच्छा खाना देती हूँ, इस सब में बहुत पैसे लगते हैं। अब वो उसे कुछ भी देने नहीं वाली थी। एंजल को इस बात पर गुस्सा आता और वो डचेस को इंसल्ट करती है। डचेस गुस्सा होकर अपने आदमी को एंजल को मारने के लिए भेज देती है। एंजल को मार मार कर उसकी बहुत ही बुरी हालत उन्होंने कर दी थी। रात में माइकल को सपना आया कि एंजल के साथ कुछ बुरा हो रहा है। वो अगली सुबह फर्स्ट थिंग वहां पर पहुंच जाता है। माइकल डचेस से कहता है कि अब मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। डचेस कहती कि अब भी मुझे ओ करती है। माइकल ने उसे पैसे फेंक कर मारे। वो एंजल को एक रिंग देता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एंजल इसके लिए हाँ कहती है। इसके बाद उसे अपने फार्म पर लेकर जाता है। एंजल उठकर माइकल से कहती है कि तुमने डचेस को जितने भी पैसे दिए वो बहुत ही ज्यादा दे दिए। माइकल कहता है कि उस सिचुएशन की वजह से मुझे पैसे देने पड़े, वो इस तरीके से उसे खरीद कर नहीं लाना चाहता था। एंजल कहती है कि तुम्हारे सारे पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगी और इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माइकल इस बात पर सिर्फ हंस देता है। उसने कुछ कपड़े उसे दे दिए। एंजल ने पूछा कि क्या ये तुम्हारे वाइफ के है। माइकल कहता है कि मेरे सिस्टर के थे, पर एक बीमारी की वजह से लास्ट ईयर उसकी डेथ हो गई। एंजल वहां से उठने की कोशिश कर रही थी पर उसे बहुत ज्यादा लगा हुआ था, इस वजह से माइकल उसका ख्याल रखता है। इसके बाद 3 वीक गुजर जाते हैं और एंजल अब ठीक हो चुकी थी। माइकल जब बाहर गया हुआ था तो वहां से वो निकल जाती है। माइकल घर आया तो उसकी रिंग वो रख कर गई थी। फॉरेस्ट से स्ट्रगल करते हुए एंजल वहां से भागने की कोशिश करती है। माइकल उसे ढूंढ लेता है। एंजल ने कहा कि तुम मुझे ओन नहीं करते। माइकल उसे एक जैकेट और कुछ पानी दे देता है। वो कहता है कि रास्ता बहुत ही दूर है और तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे पास चॉइस है, तुम वहां पर जा सकते हो या फिर मेरे पास वापस आ सकते हो। घर पर तुम्हें कंफर्टेबली रहने के लिए जो भी चाहिए ये सब कुछ अवेलेबल है। एंजल कुछ बोलती नहीं तो माइकल फिर घर वापस आ गया। रात में एंजल उसके पास वापस आ जाती है, उसे खाना देता है और इसके बाद उसके लेग्स को मलम पट्टी करने लग गया। एंजल उससे पूछती है कि तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हो। माइकल कहता है कि वहां से वापस आने का डिसीजन बहुत ही हार्ड था पर फिर भी तुमने कर दिखाया है। उसे हेल्प मांगती है और फिर उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। माइकल कहता है कि अब तक हम दोनों रेडी नहीं है। अगर उससे प्यार नहीं करती तो माइकल उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रख सकता। अगली सुबह एंजल ने उसे कहा तुम्हारी वाइफ होने का नाटक मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, जब तक मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस नहीं कर देती तब तक इस फार्म में तुम्हारे साथ में काम कर सकती हूँ। वो फिर उसे फार्मिंग की अलग अलग चीजें सिखाता है, जिसे एग्स लाना, फिशिंग करना, ये सब करते करते एंजल भी जरा एंजॉय करने लग गई थी। रात में उसे उसके पास आकर सोने के लिए कहती है। माइकल इसके लिए मना करता है। एंजल ने कहा कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाती, शायद वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, इस वजह से घर के बाहर जाकर स्विमिंग करने लग जाता है। रात में जब एंजल सोई हुई थी तो ड्यूक वहां पर पहुंच जाता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। एंजल स्ट्रगल करने लग जाती है और ऐसे ही वो अपने नाइटमेयर से उठ गई। माइकल ये चीज नोटिस करता है, उसे सहारा देता है और कहता है कि हमें कहीं पर अब चलना चाहिए। एंजल कहती कि बीच रात में तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। माइकल उसे एक माउंटेन पर लेकर आया। एंजल कहती कि मैंने मेरी लाइफ में जो चीज़ देखी है उसकी हाफ भी तुम्हें पता होती तो तुम कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। माइकल कहता है कि अब तुम अपनी लाइफ को सही करने का डिसीजन ले सकती हो। एंजल कहती कि मुझे पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ क्यों, तुम मुझे अपनी वाइफ मांग दो पर मेरे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखते। माइकल कहता है कि तुम्हारा मुझे लाइक करने का मैं सिर्फ वेट कर रहा था। वो दोनों फिर किस कर लेते हैं। घर पर आकर वो इंटीमेट हो गए। अगले दिन उनके यहाँ पर माइकल की सिस्टर का हस्बैंड, जिसका नाम है पॉल, वो आ जाता है। वो अपने काम के लिए जरा दूर गया था पर अब वो वापस आ चुका है। उसका वो काम बहुत ही हार्ड था। माइकल से पूछता है कि तुम कैसे हो। माइकल कहता है कि मैंने शादी कर ली है। घर में आकर एंजल से वो पॉल को इंट्रोड्यूस करता है। पॉल ने सिटी में एंजल को देखा हुआ था, उसे उसके बारे में पता है और इस वजह से उसे शौक लगता है। वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। जब माइकल घर से बाहर चला गया, इसके बाद वो एंजल से बात करता है। वो पूछता है कि क्या तुम मुझे पहचानती हो। एंजल कहती कि मुझे सब आदमियों के चेहरे अब एक जैसे लगने लग गए। पॉल कहता है कि तुमने एक बहुत ही घटिया चीज की है।
माइकल को तुम्हें फंसाना नहीं चाहिए था, एंजल कहती कि वो खुद मेरे पास आया था, और पॉल इस बात पर बिलीव नहीं करता। इसके बारे में फिर पॉल ने माइकल से बात की, वो एंजल के बारे में कुछ भी बोलने लग गया तो माइकल उसे पंच कर देता है। उसने कहा कि अगर तुम मुझे भाई जैसा प्यार करते हो तो तुम एंजल को भी एक्सेप्ट करोगे। इंसिडेंट की वजह से एंजल को बुरा लग रहा था। माइकल कहता है कि तुम्हारी पास्ट लाइफ को तुम्हें छोड़ देना पड़ेगा। एंजल का हमें फिर से पास दिखता है जिसमें वो प्रेग्नेंट हुई थी। ये फिर से नाव इसी वजह से ड्यूक ने डॉक्टर को बुलाया था, उस पर ऑपरेशन किया ताकि एंजल फिर से प्रेग्नेंट ना हो पाए। अगले दिन जब पॉल वहां से जा रहा था तो एंजल कहती कि मुझे भी सिटी में लेकर जाओ, वो माइकल को फैमिली नहीं दे सकती, इसी वजह से उसे छोड़कर जाना चाहती थी। पॉल अब भी बिलीव नहीं कर रहा था कि माइकल खुद एंजल के पास गया था। उसे कहता है कि मैं जो तुम्हें राइड दे रहा हूँ इसके लिए तुम मुझे ओ करती हो। एंजल कहती कि मैं तुम्हें पे कैसे कर सकती हूँ। पॉल फिर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। सिटी में आने के बाद एंजल ने देखा तो उसका ब्रॉथल चल चुका था। एक आदमी से उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड्स की इसमें डेथ हो गई थी। एंजल कहती कि सब लोग पहले मुझे पैसे देंगे और इसके बाद 50% मैं तुम्हें पे करूंगी। इस बात के लिए वो मान गया था। पॉल जब माइकल के पास आया तो माइकल पूछता है कि क्या तुम उसे लेकर गए थे। वो बहुत गुस्सा हो गया था और पॉल से कहता है कि अपने घर लौट जा वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो जल्दी से एंजल के पास पहुंच गया, उसे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर रहना चाहती हो। वो मना करती है तो उसे लेकर वो बाहर आ गया। यहाँ के आदमी उन्हें जाने नहीं दे रहे थे तो माइकल को सबको मारना पड़ा। एंजल कहती कि क्या तुम्हें पता है कि पॉल ने मेरे साथ क्या किया। माइकल कहता है कि उसकी आंखों में मैंने गिल्ट पहचान ली थी। एंजल ने कहा कि तुमने मुझे वहीं पर क्यों नहीं छोड़ दिया। माइकल कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस तरीके से छोड़ नहीं सकता। एंजल ने जो भी किया इसके लिए उसे बहुत ही गिल्टी लग रहा था और वो खुद को सजा दे रही थी। माइकल उसे सहारा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ। माइकल कहता है कि मेरे फादर के पास बहुत पैसे थे, वो सारे स्लेव्स को ट्रेन करते थे। मेरे फादर ने फिर एक रात एक लड़की मेरे पास भेजी, वो एक स्लेव थी पर मैंने उसे भी फ्री कर दिया। इसके बाद अपने फादर को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चला गया। माइकल कहता है कि हमें यहाँ पर कुछ प्लांट्स लगाने चाहिए। इस बार एंजल यहाँ के सारे कामों में बहुत ही इंटरेस्ट ले रही थी, स्लोली स्लोली वो सब कुछ सीख रही थी। एक दिन रास्ते से गुजरते वक्त तो कुछ लोगों को देखते हैं। वो एक फैमिली थी और उनकी मदर प्रेग्नेंट थी। माइकल उनका ख्याल रखने के लिए उन्हें घर पर लेकर गया। वो लोग माइग्रेट कर रहे थे और किसी और जगह पर जाकर रहना चाहते थे। उनकी मदद के लिए बहुत ही थैंकफुल थे। उनकी एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम था मरियम। मरियम एंजल से पूछती है तुम और माइकल मिले कैसे थे। एंजल ने उसे सब कुछ सच बता दिया, वो दोनों अच्छी फ्रेंड्स बन गए। माइकल ने बाद में पॉल को भी माफ कर दिया था। फैमिली में डिलीवरी होती है और एक नया बेबी आता है। माइकल और मरियम दोनों मिलकर उस बच्चे का ख्याल रख रहे थे। ये देखकर एंजल को लगता है कि मरियम और माइकल की जोड़ी बहुत ही अच्छी रहेगी। उसे इसके बारे में पूछ भी लेती है। माइकल कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसे कोई भी अच्छा नहीं लगता। एंजल ने उसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ड्यूक ने एक बार डॉक्टर को बुलाया था और उन्होंने कुछ किया था। पॉल कहता है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी कोई भी मिरेकल हो सकता है। वो दोनों डिनर करते हैं और एंजल ने कहा कि सनराइज हमने जब देखा था उस लोकेशन पर मुझे लेकर चलो। वो दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनसेट देखते हैं, वहीं पर इंटीमेट हो गए। अगली सुबह एंजल ने मरियम को एक लेटर लिखा, उसके साथ माइकल की रिंग भी थी। ये सब उसे देखकर वो चली जाती है। इसमें लिखा था कि तुम और मरियम एक अच्छी सी फैमिली स्टार्ट कर सकते हो। मरियम माइकल के पास आई और कहती कि तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा। माइकल कहता है कि इस बार वापस आने की चॉइस उसकी होनी चाहिए। एंजल सिटी के एक होटल में पहुंचती है। उसने ओनर से कहा कि आपकी यहाँ पर अच्छा खाना नहीं मिलता, ऑफर करती है कि यहाँ की कुक बन सकती है। ओनर ये बात सुनकर खुश था, उसे रहने की भी जगह दे देता है। एक दिन ड्यूक का आदमी उसे वहां पर काम करता नोटिस करता है। रात में उसने इस होटल को आग लगा दी। माइकल एंजल की याद में घर पर तड़प रहा था। एक दिन ड्यूक एंजल के पास आ जाता और फिर से अपने साथ उसे लेकर जाना चाहता था। एंजल कहती कि तुम मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकते, यहाँ लोग मुझे हेल्प करने के लिए पहुंच जाएंगे। ड्यूक कहता है कि कल आग हमने लगाई थी, अगर तुम नहीं मानती तो ओनर को हम मार डालेंगे। एंजल के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं था। उसके पास आके काम करने की जगह पर वो देखती है कि ड्यूक के पास अब और दो छोटी लड़कियां थी। एंजल कहती कि तुम एक्चुअल लड़की को कभी हैंडल नहीं कर पाते, इस वजह से छोटी बच्चियों को तंग करते हो। माइकल कहता है कि फिर से अगर तुम मेरे अगेंस्ट गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद अपने सब लोगों को एंजल को दिखाना चाहता था। वो लोगों के सामने आने वाली थी पर वो फर्स्ट टाइम गॉड को प्रे करती है, कहती कि मुझे शक्ति देना। वो सब लोगों को बता देती है कि किस तरीके से ड्यूक छोटी लड़कियों को हरास करता है। ये सुनने के बाद लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया। वो जाकर चेक करते हैं और जब उन्हें लड़कियां मिल गए तो ड्यूक को मार डालते हैं। ड्यूक के लिए काम करने वाले आदमी भी उसे तंग आ गए थे और वो एंजल को उन लड़कियों को बचाने के लिए हेल्प करते हैं। अब इसके बाद डायरेक्टली 3 साल गुजर गए। अपने काम से पॉल जरा सिटी में आता है। उसने वहां पर एंजल को देखा, उसका पीछा किया तो एक बहुत बड़े स्कूल और रेसिडेंशियल एरिया में आया। अंदर आकर इंक्वायरी करता है और एंजल से मिला।
पूछता है कि ये सब क्या है। एंजल कहती कि मेरी तरह जो भी लड़कियां होती है उन्हें मैं यहाँ पर एजुकेशन देती हूँ और उन्हें रहने के लिए जगह देती हूँ। पॉल को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो माइकल के बारे में पूछती है पर पॉल ने कहा कि मरियम मेरी वाइफ है। एंजल ने कहा कि तुम ऐसा कर कैसे सकते हो। पॉल कहता है कि मरियम माइकल को ब्रदर की तरह समझती थी। माइकल अब भी तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें उसके पास वापस जाना चाहिए। पॉल कहता है कि 4 बजे मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चल सकती हो। फाइनली एंजल माइकल के पास आके उसे इस बार अपना रियल नेम बताती है। उसका नाम सारा था। उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर आई लव यू कहने के लिए आई, मैंने जो भी किया इसके लिए मैं सॉरी हूँ, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। माइकल कहता है कि हमें जो भी प्रॉब्लम्स थे इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से अब इस मोमेंट में हम एक साथ हैं। वो फिर से अपनी मदर की रिंग सारा को देता है। मूवी के लास्ट मोमेंट में इनके साथ हम एक बेबी देखते हैं, शायद इनका बेबी था या फिर मरियम का बेबी है। वह फिर से फैमिली बन चुके थे। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।